अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कराची समोसा किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। हाफ के जी चिकन मिन्स्ड, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1.5 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून रोस्टेड एंड क्रश्ड कोरिएंडर सीड्स, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चिकन क्यूब एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ऑयल को गर्म करके इसके अंदर मैं ये लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा फ्राई करूंगी। लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये चिकन का कीमा डाल दूंगी और इसे भी फ्राई करूंगी। चिकन के पानी को अच्छी तरह से पुशअप करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी और 1/4 कप पानी डाल दूंगी। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लूंगी। अब मैंने सब चीजों को मिक्स कर लिया है, अब ढककर मैं हल्की आंच पर इसका पानी कुछ होने तक पकाऊंगी। देखिए कीमे का पानी जो है अच्छी तरह से खुश्क हो गया। अब इसके अंदर मैं ये काली मिर्च डाल दूंगी और ये कुटा भुना धनिया डाल दूंगी और चिकन क्यूब को मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया है तकरीबन 1/4 कप में और ये डाल दूंगी। अब मैं इसे दोबारा से मिक्स करूंगी। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैं ये गाजर डाल दूंगी। ये एक छोटी गाजर है जो मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है। एक कप प्याज में डाल दूंगी, एक कप बंद गोभी डाल दूंगी, और एक शिमला मिर्च बड़े साइज की अच्छी तरह चॉप कर लें और ये भी डाल दें। अब मैं इन सब चीजों को मिक्स कर लूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं फुल आंच पे 2 मिनट तक इसी तरह इसको मिक्स करती रहूंगी ताकि ये थोड़ी सी हल्की सी स्टीम होके नरम हो जाए। अब 2 मिनट को इसको अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैं चूल्हे को जो है वो बंद कर दूंगी और इसके अंदर 1/4 कप हरा धनिया काट के बारीक बारीक वो डाल दूंगी और अब इसको भी मिक्स कर लूंगी। इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी ताकि हम फिर समोसों की फिलिंग कर सके। ये मैंने समोसे की एक पट्टी ले ली है, इसको मैंने इस तरह से मोड़ा है कि थोड़ा सा हिस्सा इसका बाहर की तरफ निकले और फिर हम इसको इस तरह से मोड़ के इसकी लाइन में ले आएंगे स्ट्रेट। फिर हम इसको इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ से पॉकेट को खोलेंगे और इसके अंदर फिर हम ये जो अमेजा हमने तैयार किया था वो डालेंगे। अच्छी तरह स्टफ करके मैंने हल्का सा इसको दबा दिया है। अब उसके बाद ये मैंने मैदे की पेस्ट बनाई हुई है, इसको इधर लगाऊंगी और इसको इस तरह से बंद करके सील्ड कर लूंगी। बाकी के भी सारे समोसे मैं इसी तरह बना लूंगी। अब हम कढ़ाई में बहुत सारा कुकिंग ऑयल जो है वो गरम कर लेंगे और उसमें इनको डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए दोनों तरफ से मैंने लाइट ब्राउन कर ली है, अब मैं इसको निकाल लूंगी। अब बाकी के भी मैं सारे समोसे इसी तरह फ्राई कर लूंगी। देखिए नाज़रीन, गरम गरम कराची समोसे मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए हैं। आप इसको इसी तरह बनाइएगा, ये खाने में बहुत लजीज होते हैं, आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।